गुड मॉर्निंग गाइस बिल्डिंग मटेरियल में आज हम जिस टॉपिक पे ये एम सी क्यू प्रैक्टिसट कर रहे हैं तो वो है हमारा ब्रिक और ब्रिक मैसनरी तो ये कुछ एम सी क्यू है फटाफट कर लेते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो पहला एम सी क्यू है विच मिनरल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर किसमें इन ब्रिक्स तो कौन सा जो हम मिनरल है उसको मिलाते हैं जिससे जो ब्रिक है उसका कलर वो रेड हो जाता है तो वो होता है हमारा आयरन ऑक्साइड अब देखो भैया ऐसे है कि आयरन को जब हम क्ले में आ, मिलाते हैं तो उसका जो कलर है वो रेड हो जाता है ऑन बर्निंग व्हेन एक्सीज ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल एंड डार्क ब्राउन कलर व्हेन ऑक्सीजन अवेलेबल इज इनसफिशियंट और जब ऑक्सीजन सफिशियंट नहीं होती है तो क्या हो जाता है जो कलर है वो डार्क ब्राउन हो जाता है ठीक है जी तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ब्रिक में कि क्या चीज़ मिलाने से कौन सा मिनरल मिलाने से रेड कलर हो जाता है तो आयरन ऑक्साइड उसके बाद है एज पर आई एस टू वन एट फाइव पार्ट वन टू थाउजेंड फाइव वट इज़ एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर ओपन एंड क्लोज कैविटी लोड बियरिंग मैशीरी यूनिट तो कितनी होनी चाहिए भाई जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 3.5 न्यूटन पर एम एम स्क्यर होनी चाहिए देखो ये सारे आई कोड हैं इनसे ना एग्ज़ाम में देखो यार मैं ये भी नहीं कह सकता क्वेश्चन नहीं बनता क्वेश्चन बन भी जाए लेकिन बहुत रेयर होता है फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिकल फील्ड पर हमें ये कोड ही काम आते हैं जब अगर हम अच्छे लेवल का काम करते हैं तब तो देखो ये तो हो गया जो हमारा आई कोड है वो ये बताएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी ओपन एंड क्लोज कैविटी के बीच में ठीक है जी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए बेरिंग ऑन मैशीनरी यूनिट अब ये अलग अलग कोड है आप देख लो आई एस कोड वन फोर सिक्स फोर इसमें बताया गया क्ले रीड्स एंड सेलिंग्स टाइल स्पेसिफिकेशन इनके बारे में है आई एस कोड इंडियन स्टैंडर्ड कोड सिक्स वन सिक्स फाइव इसमें है डायमेंशन ऑफ स्पेशल शेप ऑफ क्लेज ब्रिक्स के बारे में है उसके बाद है इंडियन स्टैंडर्ड कोड 3951 में है होलो क्ले टाइल्स फॉर फ्लोर एंड रूफिंग्स रूफ्स के बारे में है और उसके बाद है आई एस कोड थ्री फोर सिक्स वन इसमें है पी वी सी पी वी सी एज बस्ट टू एट फ्लोर टाइल्स के बारे में तो ये मैंने एडिशनली लिख दी हैं आप जब भी रिविजन करें तो आपको पता चले वीडियो में खोलने के बाद कि हाँ ये कोड इस परपज़ के काम आते हैं उसके बाद व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ वुड स्पेसिमम फॉर टेस्टिंग ड्यूरेबिलिटी तो कितना होना चाहिए सिक्स हंड्रेड फिफ्टी फिफ्टी एम देखो भाई जो टिम्बर होता है वो क्लासीफाई uh, किया गया है बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी अब ड्यूरेबिलिटी मान लो जिस टिम्बर की हाई ड्यूरेबिलिटी होती है तो उसकी जो लाइफ है वो भी ज़्यादा होती है एवरेज लाइफ ऑफ 120 मंथ्स एंड ओवर इससे ज़्यादा भी होती है मॉडरेट ड्यूरेबिलिटी होती है तो उनकी जो एवरेज लाइफ है वो लेस देन 120 ट्वेंटी मंथ्स बट सिक्सटी मंथ से मोर होती है और जो लो ड्यूरेबिलिटी होती है वो सिक्सटी मंथ से भी कम की उनकी लाइफ होती है और जो इनका क्या है ये स्पेसिफम का जो साइज़ है वो 600 हंड्रेड इंटू फिफ्टी इंटू फिफ्टी एम एम आर बरीड इन द्राउंड टू हाफ लेंथ ठीक है जी ये आप सिर्फ इतना डाया ये जो इसका क्या बोलते हैं स्पीसी में उनका साइज़ है इसको याद रखना और इसका जो लाइफ स्पेन है वो कितना होना चाहिए जो हाइडोरेबलिटी वाला टीम होता है उसका 120 महीनों से ज़्यादा होता है या 120 मंथ 120 मंथ उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन द डिफिट इन विच वाइट पैच अपीयर ऑन ए ब्रिक सरफेस इज़ नॉन एज ए फ्लोरोसेंस बोलते हैं देखो ये बेसिक बेसिक हमारी डेफिनेशन है ये आपको वैसे याद तो रखनी चाहिए कि एफ्लोरोसेंस क्या होता है स्पोर्ट्स क्या होते हैं ठीक है और भाई ब्लोटिंग क्या होता है ब्लिस्टर्स क्या होते हैं ये जो वाइट पैच हैं ये क्यों ब्रिक में पड़ते हैं भाई क्या कोज होता है तो ये दिस इज कॉज बिकॉज ऑफ अल्कलाइज प्रजेंट इन ब्रिक्स जब ब्रिक क्या है पानी के कॉन्टैक्ट मतलब मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आती है तब वाटर को क्या ऑब्जॉर्व करती है एंड देन जो अल्कलाइज होते हैं वो क्या होते हैं क्रिस्टलाइज हो जाते हैं ठीक है तब ये आपको वाइट जो पैच हैं ये नज़र आते हैं ब्रिक के उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इफ़ एक्सिस ऑफ सिलीका इज प्रजेंट इन ब्रिक इट मेक्स द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक ऑन बर्निंग देखो भैया जो सिलिका की प्रजेंट है ब्रिक uh, के अंदर वुड लीड टू लॉस ऑफ कोहेजन बिटवीन पार्टिकल मतलब क्या है? करता है लॉस करता है कोहेजन बिटवीन पार्टिकल एंड दिस मेक द ब्रिक ब्रिटल तो ये आप पॉइंट ध्यान रखना तो आज हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना